हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वापस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे जहाँ पे हर दिन सुबह पाँच बजे रहता है आपके लिए सी का सेशन सी के बेसिस पे जो आपके जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उसका एक सेशन होता है आपका आपको कुछ नहीं करना है नॉर्मली ट्वेंटी क्वेश्चन होते हैं जस्ट रिवाइज दैम रीड दैम और एंड सॉल्व दैम बिल्कुल भी ये मत सोचना है कि इसका पी मिलेगा तो इसका पी नहीं होगा रीजन बिंग सीटी के लिए देखो कुछ अलग से यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ अलग से जीके के यहाँ पर आएगी क्योंकि जीके मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी पढ़ा दी है तो आपके जो नोट्स हैं जिस रिवाइज हैं और उसके बाद यहाँ पे इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करोगे तो अपने आप ही आपको आंसर आना शुरू हो जाएगा ये जो सेशन है ये हर दिन आपके लिए रहता है सुबह पाँच बजे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की सबसे पहला काम एक बार से लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए पहला सवाल आपके सामने कौन से ऐसे रिवर है जो इक्वेटर से क्रॉस करती है और उसको दो बार कट करती है यानी कि जो भूमध्य रेखा है या फिर जो कह लें विश्वत रेखा है उसको दो बार कौन सी रिवर कट करती है तो आंसर विल बी कॉन्गो रिवर सपोज करो अगर आपको ऑप्शन में कॉन्गो ना दिया हो तो आप आंसर मार्क करके आओगे जायरे रिवर और ये रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में है तो अफ्रीका के अंदर आपको ये रिवर मिलेगी नाइल रिवर अगर पूछते हैं तो ये भी आपके अफ्रीका के ही रिवर है और पूरे वर्ल्ड की जो सबसे लंबी नदी है जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है दैट इज योर यमेज रिवर रिवर कहाँ है ये आपके साउथ अमेरिका के एरिया में है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी जो है जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है दैट इज अमेजॉन और जो मिसिसिपी रिवर है ये कहाँ है तो ये आपका जो नॉर्थ अमेरिका का एरिया है वहाँ पे मिसिसिपी और मिसौरी इन दोनों रिवर्स के नाम आपको साथ में मिलते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर टू पे आइए सवाल में पूछा जा रहा है कि मौन नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है एक जिला है उसको भी हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्कॉच अवार्ड जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है जहाँ पे बहुत अच्छा आपको वर्क देखने को मिलता है आपको बताना है कि जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है आंसर विल बी नागालैंड अभी लास्ट टाइम का जो अवार्ड गया था वो गुजरात को दिया गया था ठीक है नेक्स्ट पे आइए ऑफ भिजो फॉलोइंग इज द ट्रॉपिकल ग्रास लैंड इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है पहली चीज अगर पूछा जाए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है यानी कि जो सदाबाहर वाले आपके जो ग्रासलैंड्स होते हैं जो वेजिटेशन होता है इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है तो इंडिया में जो आपका वेस्टर्न घाट का एरिया है वहाँ पर आपको प्रोमिनेंटली बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ठीक है अच्छा अब इसमें से कौन सा वाला है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा शवाना क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इंडिया का ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर आपको ये वाला ग्रासलैंड देखने को मिलता है पूछा जाएगा तो हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो अर्जेंटीना और ब्राजील हो जाएगा टाइगा आपके थोड़ा सा टेम्परेट रीजन के जस्ट ऊपर वाले रीजन में आपको मिलता है और शवाना जो है वो यूज़ुअली आपको अफ्रीका के एरिया में मिलेगा ठीक है नेक्स्ट पे आइए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेंबर के रूप में नहीं थे ध्यान दीजिएगा नहीं पूछा गया यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आंसर विल बी महात्मा गांधी जी वो उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे जब हम संविधान सभा बोलेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलेंगे तो ये ध्यान रखिएगा नाइनटीन में इसको बनाया गया था और नाइन्थ ऑफ दिसंबर नाइन्टीन को इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी अगला देखिए यहाँ पे द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये कहाँ पर लोकेटेड है आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली बोला जाता है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट क्योंकि यहाँ पे पांच डेजर्ट्स मिलते हैं जिसमें से ग्रेट विक्टोरिया हो गया सिम्पसन डेजर्ट हो गया और इसके अलावा एक और आपको याद रखना है वो कौन सा है गिप्सन डेजर्ट ये तीन आपसे यूजुअली पूछे जाते हैं तो बी प्रिपेयर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ विच इज़ द लॉन्गेस्ट रन वे इन इंडिया इंडिया के अंदर सबसे बड़ा या फिर हम कहने सबसे लंबा रन वे इसमें से कौन से एयरपोर्ट का है आंसर विल भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी जो हैदराबाद वाला है ये कौन सा है राजीव गांधी एयरपोर्ट है मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको भी हाल ही में एक एवॉर्ड से सम्मानित किया गया है मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम बता दो कि कौन सा अवार्ड मिला था ओके ये वाला कहाँ पर है दिस इज इन सिक्किम में ठीक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला कहाँ पर मिलेगा तो ये आपको कोलकाता के अंदर मिलेगा नेक्स्ट पे आ जाइए हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ध्यान रखिएगा फर्स्ट फुल टाइम पूछा है अगर फुल टाइम ना लिखा होता तब तो आप आंसर ये माक करते बट फुल टाइम लिखा हुआ है तो आंसर क्या माक करोगे निर्मला सीतारमन जी नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग अगला सवाल प्रहलाद जोशी जी मिनिस्टर ऑफ कोल है मिनिस्टर ऑफ माइन्स भी हैं आपको बताना है इनकी कॉन्स्टिटुएंसी क्या बनेगी तो इनकी कॉन्स्टिट्युवेंसी क्या है धनबाद अच्छा अब एक चीज़ और अगर पूछा आता है जोधपुर तो जोधपुर से कौन मिलेगा जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है यहाँ पे मैं बताऊँ या तुम लोग बताओगे तुम लोग बताओगे जल शक्ति मंत्रालय किसके पास में उनकी कॉन्स्टिटुएंसी क्या है जोधपुर जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना ठीक है अच्छा अगले सवाल पे आते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं या फिर जिसका जहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं दैट इज़ नीलगिरी हिल्स यानी कि नीलगिरी की, नील की पहाड़ियाँ वहीं पर आपको देखने को मिलती हैं अगला है यहाँ पे फिफ्टी एडिशन ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी जो एनुअल मीटिंग है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड देखिए इसकी जो बैठक है ये हमेशा आपको डेवोस में मिलेगी हर साल डेवोस में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको क्लॉगनी नाम की जगह पर देखने को मिलता है ठीक है अगला देखो विच ऑफ़ दी फॉलोइंग डेजर्ट इज फेमस फॉर इज डिपॉजिट्स ऑफ नाइट्रेट्स इसमें से कौन सा ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे आपको नाइट्रेट के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं आंसर हो जाएगा एटाकामा डेजर्ट एटाकामा डेजर्ट जो है ये आपको चिली के एरिया में देखने को मिलेगा एंड खास बात इसकी ये है कि दिस इज़ अ कोल्ड डेजर्ट ये क्या है एक आपका कोल्ड डेजर्ट है तो दिस तो इज इम्पॉर्टेंट यू शुड नो कि ये कहाँ है अच्छा गोभी डेजर्ट ये मंगोलिया और चाइना वाले एरिया में है सहारा कहाँ मिलेगा या आपको अफ्रीका में मिलेगा थार कहाँ पे तो ये तो इंडिया का ही है ठीक है नेक्स्ट देखिए अगला सवाल यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ऑफ द फॉलोइंग लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ तापी या फिर तापती रिवर इस नदी के किनारे पर इनमें से कौन सा शहर देखने को मिलता है तो आंसर विल बी सूरत इसके किनारे लोकेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सवाल आपसे पूछ रहा है हु हैज बीन चोजन एज अ चेयरपर्सन ऑफ राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट कमेटी अब आपको ये चीज तो मालूम है कि इनके लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई जो पूरा सारा का सारा डेवलपमेंट का काम देखेगी आंसर क्या होगा निपेंद्र मिश्रा जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस प्लीज सेशन को लाइक और शेयर भी करते जाया करो और जितने क्वेश्चन करते हो अटेम्प्ट अगर नहीं आता है अगर सपोज करो कि नया सवाल है पहली बार ही सुना है कभी सुना ही नहीं तो उसको नोट कर लिया करो है ना क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक चीज़ें याद ही नहीं होंगी ओके चलिए फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य दिए हैं उनको कहाँ से कॉपी किया गया तो आंसर हो जाएगा रशिया हो सकता है आपको रशिया की जगह पे यूएसएसआर दे दिया जाए तो आंसर क्या मार्क करोगे यूएसएसआर मार्क करके आएंगे राइट आप ये आपका साउथ अफ्रीका से क्या है अमेंडमेंट्स संविधान संशोधन लिए गए यहाँ पे यूएसए से तो काफी सारी चीजें जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है प्रीएम्बल हो गया ये सब चीजों को यहाँ से कॉपी किया गया है अगला सवाल उकाई डैम कौन से रिवर के ऊपर लोकेटेड है तो उकाई डैम कहाँ है गुजरात में तो गुजरात में कौन सी रिवर हो गई तापी रिवर हो गई नेक्स्ट पे आ जाइए टेन डिग्री चैनल आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जिसके बीच में आपको टेन डिग्री चैनल देखने को मिलता है किडिश क्वेश्चन है क्योंकि ये मैंने आपको हजारों लाखों बार तो अब तक तो हम ही चुके होंगे कि अंदमान और निकोबार के बीच में आपको टेन डिग्री चैनल देखने को मिलता है निकोबार और सुमात्रा के बीच में आप देखेंगे तो आपको ग्रेट चैनल मिलता है और दूसरा पॉइंट मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में देखोगे तो एट डिग्री चैनल देखने को मिलेगा ठीक है अगला सवाल अजय वॉरियर ये जो एक्सरसाइज है ये अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज करी गई थी इंग्लैंड के अंदर आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कौन कौन से देशों के बीच में आयोजित करी जाती है तो इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री हो जाएगी इंडिया के साथ में कौन सी होगी अजय वॉरियर है तो आंसर विल बी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ठीक है अगले सवाल पे आ जाओ नेम द फॉर्मर गोल्फर हु वॉज नोन एज द पिककॉक ऑफ फेयरवेज इस नाम से किसको जाना जाता है जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है आंसर विल भी डॉग सैंडर्स को जाना जाता है अगले सवाल पे आइए इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिस्ड मिक्स इकोनॉमी है सबको पता है तो कौन सा फाइव ईयर प्लान है जो अभी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है तो कौन सा वाला नंबर का है जिसमें ये चीज़ बोली गई थी कि इंडिया की इकोनॉमी मिक्सड है तो दैट इज सेकेंड वन लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कनाडा के अंदर आपको कौन से घास के मैदान मिलते हैं यानी कि ग्रास लाइन मिलते हैं तो आंसर क्या होगा इसका पेरीज होगा ठीक है पेम्पास मैंने बता दिया कई बार बेल्ट भी पूछ लेता है तो ये जो आपका अफ्रीका का जो साउथ वाला एरिया ना यानी कि साउथ अफ्रीकन रीजन जो है वहां पे वेल्ट हो जाएगा डाउन अगर पूछा जाएगा तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा ठीक आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देना कितने क्वेश्चन सही के हैं गाइज आप में से जितने ऐसे हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है एक ही क्लास अभी हुआ है आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आप इसको ज्वाइन करोगे फिल्म मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी एंड खास बात यह है कि जब आप इसमें प्रति टेन कोड लगाओगे तो टेन पॉइंट आपको टेन परसेंट ऑफ मिलेगा और इसके साथ आप मेरे क्लास के अलावा अन अकेडमी पर जितने भी यूपीएससी एजुकेटर्स हैं आप सबका क्लास देख पाओगे करना क्या है ऐप पर जाना है यूपीसीएससी सेलेक्ट करना है सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको वन ईयर सेलेक्ट करना है यानी कि ट्वेल्व मंथ सेलेक्ट करोगे ये अमाउंट है ये कोड रहेगा इस अमाउंट पे अगर आप क्रेडिट पॉइंट्स भी यूज़ करोगे तो ये और कम हो जाएगा और ये ध्यान रखो इस पर आप एच डी एफ सी का क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं देन प्रोसीड टू पेमेंट ठीक है तो ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है सिर्फ एक क्लास हुआ है तो इफ़ यू पीपल वांट तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो तो मिलते हैं फिर आप लोगों से सात बजे के सेशन में टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाय आज है क्या